हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ वेद यादव। स्वागत है आपका आपके अपने और टेक्निकल फैमिली पर। तो दोस्तों, ये है मेरा मिर्च का खेत और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि सब तरफ पानी भरा हुआ है, ये सब में भारी बारिश हो रही है और मेरे बोरवेल का क्या हाल है। उसको जो है आज चालू करके देखते हैं क्या हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने से पानी एकदम गंदा निकलता है। और मैंने सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल करा के रखा है अपने बोरवेल पे, तो देखते हैं स्टार्ट हो पाता है कि नहीं ऐसे कोहरे पे। तो इसमें क्या है, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा अगर कभी फ्यूचर में सोच रहे होंगे सोलर सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करवाने की, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा कि मतलब ऐसा कोहरा होता है। अभी बारिश भी हो रही है, अब दिखा नहीं सकता मैं इसमें, लेकिन बारिश हो रही है, मैं भीग भी रहा हूँ। तो उसको ज़रा स्टार्ट करके देखेंगे अभी जाके। और यह है मिर्च की खेती मेरी, मैंने यहाँ पे करीबन वहाँ तक वो आगे दिख रहा है वो झाड़, वहाँ मक्का वगैरह लगा हुआ था और ये सब में मिर्च लगा हुआ था। तो अभी हार्वेस्टिंग हो चुका है, अभी फिर से फूल खिल रहे हैं और बाकी अधिक बारिश के कारण जो है पौधे थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही। इसमें क्या है, एक दागी और ये गलन की शिकायत आ जाती है, ये इस टाइप का जो है फल होने लग जाता है, तो ये अधिक बारिश के चलते हो जाता है। ये गर्मी में ही लगा हुआ था मेरा, लगभग अप्रैल मई के आसपास। तो चलिए देखते हैं बोरवेल का क्या हाल चाल है, बने रहिए वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं इस साइड पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ ये जो टंकी दिख रहा है या फिर गड्ढा दिख रहा है, ये मेरा भूजल संरक्षण के लिए बनाया हुआ है। इससे क्या होता है, बोरवेल में पानी की कमी नहीं होती है। बरसात में क्या है कि इसको मैं पूरी तरह से खुला छोड़ देता हूँ, यहाँ से पानी का जो है ज़मीन में जो है अवशोषण होता है और आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। ये सब मैं देख सकते हैं, ये पूरा भारी बारिश हो रही है अभी। ये जो टंकी है इसको मैंने 15 बाई 15 फीट में कराया है और इसको अच्छे से तार से जो है घेरा कराया है, ताकि कोई जानवर या फिर बच्चे वगैरह इसके नज़दीक न जा सकें। क्या है, इसमें पानी गर्मी में भी रहता है, मैं इसको 2 in 1 यूज करता हूँ। अभी बारिश में पानी अंदर जाता है और बारिश मौसम सूखा आने के बाद जो है इसमें मैं तिरपाल या फिर प्लास्टिक का एक लेयर लेयर बिछा देता हूँ पूरी तरह से, और इसमें इसको एक टंकी की तरह जो है काम में लेता हूँ। और यहाँ एक मोटर मोनोब्लॉक पंप लेकर के अपने मिर्च वगैरह की खेती में, या फिर इधर मेरा ये धान वगैरह लगा हुआ है तो इसमें गेहूँ वगैरह लगाता हूँ, तो ये सब मैं पानी का जो है सप्लाई देता हूँ। तो चलिए बोरवेल का हालचाल देखते हैं। दूर से ये रहा मेरा सोलर पंप और वहाँ बोरवेल है, धान की फसल लगी हुई है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये जीरा फूल नाम की एक देहाती किस्म की धान जो है लगाया हुआ है इस वाले में, और यहाँ इस वाले 2 क्यारियाँ में लगा हुआ है। और अभी कोहरा लगा हुआ है, इसके चलते थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही होगी। अभी कोहरा है इसके कारण थोड़ा सा जो है ये अच्छे से हरियाली नहीं दिखाई दे रहा होगा इनमें, बाकी धान ठीक है, कहीं कहीं धान निकल भी रहे हैं यहाँ, देख सकते हैं। पूरी तरह से खेत में भी पानी भरा हुआ है, ये सब देख सकते हैं। और अभी बोरवेल हमारा खेत में ही है, वहाँ उसको चालू करेंगे, देखते हैं क्या पोजीशन है, चालू हो पाता है या फिर नहीं। ये अपना सोलर पैनल खुला हुआ है, मैंने ही एक दिन चालू करके छोड़ा था, उस दिन के बाद से किसी ने बंद नहीं किया है इसको। देखिए एरर आ गया है, इसको बंद करते हैं। और वहाँ है बोरवेल अपना, ये हमने किया स्टार्ट, ये वीडियो में जो है ब्लिंक कर रहा है, स्टार्ट हमने कर दिया है, देखते हैं पानी आता है कि, और आता है तो कैसा पानी आता है। ये देखिएगा धूप नहीं है, इसके बावजूद जो है मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मोटर स्टार्ट हो चुका है और अभी तो पानी जो है जमा हुआ है वही आ रहा होगा, बाद बाकी इधर सारी सब तरफ पानी भरा हुआ है, ये सब में देख सकते हैं। और मेरा बोरवेल भी भर जाता है, यहाँ केसिंग लेवल से सिर्फ 1 फीट नीचे जो है पानी होता है, इसमें केसिंग लेवल से 1 फीट नीचे पानी भरा हुआ रहता है। ये 3 HP का पंप जो है इसमें इंस्टॉल है, तो मैंने पाइप को जो है पतला करके लगाया हुआ है, इसमें 2 मोटर लगाने के लिए नहीं बनते थे, कुछ समय पहले इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाया था मैं, तो दोनों को साथ में चलाता था।
इसलिए पाइप को पतला करके लगाया हूँ। बाकी प्रेशर नहीं आ रहा है, 1.5 HP के करीबन पानी दे पा रहा है, जबकि एकदम घना कोहरा है, तो इतना बहुत है। शक्ति का सोलर पंप है, शक्ति कंपनी। अब थोड़ा सा गंदा पानी आना शुरू हो गया है, देखते हैं 5 मिनट उसके। यहाँ पे जो मोटर का RPM है वो आप देख सकते हैं 34.6162 ऐसी हो रहा है, 34 से ऊपर नहीं हो पा रहा है, जबकि हमने RPM सेट कर रखा है 80 पॉइंट पे। टोटल RPM इसमें 120 पॉइंट होते हैं, तो 80 पॉइंट पे RPM सेट है इसका, बाकी 34 में चल रहा है मोटर, और पानी थोड़ा सा गंदा आ रहा है, देख सकते हैं पानी भरा है सब तरफ। ऐसे में जो है हमको यही करना चाहिए कि कम से कम मोटर को एकदम पानी जब तक भरा है खेत के आसपास तब तक मोटर को कंटिन्यू चलाना चाहिए, मतलब पानी फसल में ही जाए, पानी का जो है दुरुपयोग मत हो। पानी इसमें भी गंदा आ जाएगा थोड़ी देर बाद, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि पानी भरा रहता है तो गंदा पानी आता ही है। अगर आपको शक्ति सोलर पंप के बारे में जो है विस्तृत जानकारी चाहिए, कितने पैनल हैं और कैसे काम करते हैं, ये रिमोट कंट्रोल के तहत भी काम कर सकता है, आप अपने मोबाइल से ही कहीं से भी मोटर को चालू या फिर बंद कर सकते हैं। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसका एक अलग से जो है हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, पैनल के बारे में सारे चीज़, इसके फीचर्स और डिटेल, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऐसे मौसम पे में भी जो है हमारा मोटर चल रहा है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मतलब सोलर सिस्टम आप लगवा सकते हैं। इसका जो खर्च आया था, कॉस्ट आई थी मुझे करीबन 13 या फिर 14 हज़ार के आसपास आया था सब्सिडी लेकर के, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। आप किस स्टेट से हो अपने स्टेट का नाम जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब सब्सिडी का थोड़ा सा पता चल पाएगा कि वहाँ मिलता है कि नहीं। गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी होता है, और पानी जो है साफ़ आ रहा है, प्रेशर कम है इसलिए साफ़ आ रहा है, प्रेशर बढ़ जाता तो पानी अभी गंदा आ जाता, क्योंकि इधर सारे खेत में पानी भरा हुआ है और पूरा ये ज़मीन थोड़ा सा ढीला हो गया है, दलदल टाइप से ढीला हो गया है, तो वो पानी जो है घुल के चला जाता है बोर में और वहाँ से आउटपुट आ जाता है। फिर इसको हम पीने के लिए यूज में नहीं लेते, खाली खेती के लिए यूज में लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।